गमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन भी 2024 के लिए लगातार रणनीतियां तैयार कर रही है। दोनों ओर से अपना दाव है अपनी सियासत। जिस वक्त मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक हो रही थी उस वक्त सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया। विपक्ष ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए। पहला सवाल ये कि बिना सारी पार्टियों को जानकारी दिए सत्र क्यों बुलाया और दूसरा सवाल ये कि सरकार ने विशेष सत्र का एजेंडा क्यों नहीं बताया। सोनिया गांधी ने दोनों सवालों के साथ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। अब सरकार ने विशेष सत्र का एजेंडा बता दिया तो कांग्रेस कह रही है कि चिट्ठी के दबाव में कुछ बताया और ज्यादा छिपा दिया। सोनिया जी के पत्र का एक दबाव हुआ तब जाकर इन्होंने एजेंडा भेजा। एजेंडा जब देखा तो लगा कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो विंटर सेशन तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। तो कुछ ऐसा है जो साझा नहीं किया गया और जो छिपाया जा रहा है। जो भी हो, जो सीईसी का बिल है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत 18 सितंबर से हो रही है। राज्यसभा की ओर से जारी संसदीय बुलेटिन के मुताबिक 18 सितंबर को यानी सत्र के पहले दिन 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। संसद की उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर भी चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन की पार्टियों को लग रहा है कि सरकार ने जो एजेंडा जारी किया है वो पूरा नहीं है। The agenda for the special parliament session has still not been announced, and I say this because in the list of business, if you see, they've written a very sinister line there saying this is not the exhaustive list of business, so they will be up to dirty tricks and they can add some business last minute. राज्यसभा की ओर से जारी संसदीय बुलेटिन में विशेष सत्र के लिए चार बिल भी सूचीबद्ध किए गए हैं। एडवोकेट संशोधन बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल लोकसभा में रखे जाएंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पास हो चुके हैं। विशेष सत्र में राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। पांच दिन उनका एक मुखौटा दर दिन गिर जाएगा, असली चेहरा सामने आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रखना चाहते हैं, ये न्यायालय पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। उस तरह की बहुत सी बातें बिल सामने आ जाएंगे और पार्लियामेंट के माध्यम से देश में डिक्टेटरशिप लेके आएंगे। दुनिया की किसी व्यवस्था में अब जाइए, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बात हो रही थी, कहां रही स्वायत्तता? वैसे ही इलेक्शन कमीशन के कारनामे चिंता का विषय। उसके बाद तो शिकायत के लिए भी नहीं जा पाएंगे उनके पास कि भैया उनकी तो नौकरी ही वहां से मिली है, उन्होंने नामित किया। तो मैं समझता हूं एक लेवल पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतना ब्रेजनली डिसऑनेस्ट बिल ना। संसद के विशेष सत्र के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। वहीं सरकार ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार पारदर्शी नहीं है। व्हाट इज द एजेंडा फॉर स्पेशल सेशन इज एक्चुअली सरप्राइजिंग। For this is actually, these bills are placed in Rajya Sabha last session itself. Then what is the point of the special session? We can discuss all this bill in the winter session. Therefore, this government's parliamentary agenda is totally not transparent at all. संसद के विशेष सत्र का एजेंडा आउट है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने भी तय कर लिया है कि उन्हें विशेष सत्र में कौन से मुद्दे उठाने हैं। Price rise, unemployment, farmers' plight. But that doesn't seem to be on the government's agenda ever. प्रधानमंत्री कल जश्न क्यों मना रहे थे? प्रधानमंत्री देश की रक्षा के बारे में क्या चिंता करते हैं और इस पूरी घटना पे सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इसको उनको सामने आके बताना चाहिए। वरना अभी पार्लियामेंट का जब स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, विशेष सत्र, उस दौरान आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो निश्चित रूप से इस विषय को संसद के अंदर उठाने का काम करेंगे। संसद के विशेष सत्र पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये सत्र नई संसद की शुरुआत का भी साक्षी बनेगा। 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के दिन से कार्यवाही नए भवन में होगी। आज तक ब्यूरो।